हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। क्या आप भी फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करते हो या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट करना चाहते हो, बट आपके मन में ये डाउट है कि हम इसे यूज़ करते हैं तो क्या इसका कोई चार्ज देना होगा, या फिर हम इसे एक्टिवेट तो कर ले बट अगर एक्टिवेट करके इसे यूज़ ना कर पाए तो क्या इसका कोई चार्ज देना होगा क्या? क्योंकि मेरे कुछ वीडियोज़ पर इस प्रकार के कमेंट आ रखे हैं कि भाई हमने फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट तो कर लिया है बट अगर इसे यूज़ ना कर पाए तो क्या इसका कोई चार्ज लगेगा। जिस प्रकार बजाज फाइनेंस का अगर आपके पास कार्ड है, जो EMI नेटवर्क कार्ड होता है, इसको अगर आप एक साल यूज़ नहीं करते हो तो पर ईयर आपको 170 रुपये का चार्ज देना होता है, तो क्या इस प्रकार भी यहाँ पे भी कोई चार्ज है क्या? तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को अगर हम यूज़ करते हैं या फिर इसे एक्टिवेट करके अगर यूज़ नहीं करते हैं तो कोई चार्ज लगेगा क्या। तो सबसे पहले माई अकाउंट पे आना है, और अभी तक आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता दिया है कि कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर पे आना है, व्यू डिटेल पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे लर्न मोर लिखा है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जितने भी चार्जेस लगेंगे वो सारे यहाँ पे दिखा रखा है। अगर आप लेट पेमेंट करोगे, अमाउंट ड्यू करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज लगेंगे, तो वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, बट इतना ही बताने वाला हूँ कि अगर आप इसे यूज़ करते हो तो क्या चार्ज लगेगा, अगर यूज़ नहीं करते हो तो क्या चार्ज लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने 1000 रुपये से कम का कोई सामान परचेज किया तो उस पर 1 भी रुपये यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर आप 1000 से ज़्यादा का कोई सामान परचेज करते हो तो पर बिल यहाँ पे 10 रुपये लगेंगे। जैसे आपने 1100 कुछ रुपये का सामान परचेज किया तो जब भी इसका बिल जनरेट होगा तो 10 रुपये चार्ज यहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हो और इसे यूज़ नहीं करते हो तो आपको कोई चार्ज देना होगा, 1 रुपये भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ओनली एक यहाँ पे चार्ज है, जो कि 1000 से ऊपर का अगर आप परचेज करते हो तो 10 रुपये का चार्ज लगेगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फिर भी कुछ पूछना है कमेंट कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को और पे प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नए नए ऑफर से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और अभी तक आपने मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।